नमस्कार मित्रों, नर्मदा स्टोन शिवलिंग से मैं शुभम कर्मा आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम नर्मदा नदी से प्राप्त कुछ ऐसे दुर्लभ शिवलिंगों के बारे में बात करेंगे जो आज तक आपने ना तो देखे होंगे ना आप कभी देखोगे। दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ऐसे नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आए हैं जो नर्मदा नदी में बहुत ही दुर्लभता से हमें प्राप्त हुए हैं। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग बहुत ही रेयर और दुर्लभ शिवलिंग है। इस तरह के शिवलिंग नर्मदा नदी में कभी कभी ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नर्मदा नदी के सबसे छोटे शिवलिंगों के बारे में बताना चाहूँगा जिन्हें हम घर पर स्थापित कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि 1 इंच से लगा करके 6 इंच तक का नर्मदेश्वर शिवलिंग आप घर में बिना प्राण प्रतिष्ठा के स्थापित कर सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग को या माँ नर्मदा को भगवान शिव से वरदान दिया गया था जिसके फलस्वरूप हम नर्मदेश्वर शिवलिंग घरों में स्थापित कर सकते हैं। माँ नर्मदा को भगवान शिव से वरदान दिया गया था कि आपके तट पर पाए जाने वाला प्रत्येक कंकड़ शिव का रूप होगा। तो दोस्तों, मैं आपको नर्मदा नदी के कुछ छोटे नर्मदेश्वर शिवलिंग बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप घर पर स्थापित कर सकते हैं। ये इस तरह का नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है जिसे आप अपने घरों में स्थापित कर सकते हैं। ये अंगुष्ठ के बराबर नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ये आप बिना प्राण प्रतिष्ठा के अपने घरों में स्थापित कर सकते हैं। इसे किसी भी तरह की विधि की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह के कई नर्मदेश्वर शिवलिंग हमारे पास अवेलेबल है, आप और देख सकते हैं। ये भी नर्मदेश्वर शिवलिंग अंगुष्ठ के बराबर है। इस तरह के नर्मदेश्वर शिवलिंग, काफ़ी नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको हमारे पास मिल जाएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ बड़े नर्मदेश्वर शिवलिंग दिखाना चाहूँगा जो हमें माँ नर्मदा नदी से प्राप्त हुए हैं और बहुत ही दुर्लभता से मिले हैं और काफ़ी सालों से हमारे पास संग्रह करके रखे हुए हैं। दोस्तों, आप ये नर्मदेश्वर शिवलिंग देख सकते हैं। ये 17 इंच का नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इस नर्मदेश्वर शिवलिंग में नेचुरली ओम की आकृति बनी हुई है और इसके माथे पर चंद्र की बिंदु भी बनी हुई है। इस तरह के नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा नदी में कभी कभी ही प्राप्त होते हैं और कहा जाए तो सालों में कई एक बार ये इस तरह के शिवलिंग हमें मिलते हैं। आप फिर उसके पास में एक और नर्मदेश्वर शिवलिंग देख सकते हैं। ये 15 इंच का नर्मदेश्वर शिवलिंग है जिसमें नेचुरली जनेऊ की आकृति बनी हुई है। उसके आगे एक और 13 इंच का नर्मदेश्वर शिवलिंग है जिसे महामृत्युंजय शिवलिंग कहते हैं, जिसमें शेर की खाल बनी हुई है। आप देख सकते हैं पूरा नर्मदेश्वर शिवलिंग में शेर की खाल दिखाई दे रही है। इस तरह के नर्मदेश्वर शिवलिंग, एक 6 इंच का नर्मदेश्वर शिवलिंग है जिसमें नेचुरली त्रिकुंड की आकृति बनी हुई है। और आप देख सकते हैं ये नर्मदेश्वर शिवलिंग, ये 6 इंच का नर्मदेश्वर शिवलिंग है जिसमें नेचुरली जनेऊ की आकृति बनी हुई है। फिर आप देख सकते हैं इस तरह के कई शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग हमारे पास आप देख सकते हैं। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग देख सकते हैं, ये बहुत ही दुर्लभ नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इस तरह का नर्मदेश्वर शिवलिंग माँ नर्मदा नदी में कभी कभी प्राप्त होता है। इस शिवलिंग में नेचुरली ग्रीन कलर का शिवलिंग होता है। ये पूरा इमराल्ड ग्रीन कलर का नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ये पूरे विश्व आकार में नर्मदेश्वर शिवलिंग बना हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरह के काफ़ी शिवलिंग। इस शिवलिंग को आप देखिए, इस शिवलिंग में नेचुरली ओम की आकृति बनी हुई है। 7 इंच का नर्मदेश्वर शिवलिंग है, पूर्ण रूप से अमरनाथ शिवलिंग है। इसमें आप देख सकते हैं अमरनाथ जैसा बना हुआ है, पूरा व्हाइट कलर में, और उसमें नेचुरली ओम की आकृति बनी हुई है। मेरे पीछे एक और नर्मदेश्वर शिवलिंग है जिसे नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग कह सकते हैं। इस नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग में भी नेचुरल त्रिकुंड की आकृति बनी हुई है। एक नर्मदेश्वर शिवलिंग है जिसमें भी नेचुरल त्रिकुंड की आकृति बनी है। इस तरह के काफ़ी नर्मदेश्वर शिवलिंग मेरे पीछे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे नर्मदेश्वर शिवलिंग बहुत ही दुर्लभ है और नर्मदा नदी से हमें काफ़ी दुर्लभता से प्राप्त हुए हैं। और मैं आपको कुछ नर्मदेश्वर शिवलिंग दिखा दूँ। इस शिवलिंग में देखिए नेचुरली ओम की आकृति बनी हुई है। ओम लिखे हुए नर्मदेश्वर शिवलिंग बहुत दुर्लभ होते हैं और बहुत दुर्लभता से हमें प्राप्त करने पड़ते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे नर्मदेश्वर शिवलिंग दिखाने जा रहा हूं जो हमें नर्मदा नदी से इसी रूप में प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से नेचुरल नर्मदेश्वर शिवलिंग आप कह सकते हैं। आप देख सकते हैं इस नर्मदेश्वर शिवलिंग में, आप नर्मदेश्वर शिवलिंग को देख सकते हैं। इस नर्मदेश्वर शिवलिंग में नेचुरली ओम की आकृति बनी हुई है। आप देख सकते हैं नर्मदा नदी से इसी रूप में प्राप्त हुआ है ये नर्मदेश्वर शिवलिंग। 4 इंच का नर्मदेश्वर शिवलिंग जिसमें नेचुरल ओम की आकृति बनी हुई है। हमें हमारे द्वारा कोई आकार नहीं दिया गया है, ये नर्मदा नदी से हमें इसी आकार में प्राप्त हुआ है। इस तरह के काफ़ी नर्मदेश्वर शिवलिंग हमारे पास उपलब्ध है। अब दोस्तों, मैं आपका ध्यान नर्मदा नदी से प्राप्त, नर्मदा नदी के पत्थर से बनी हुई जलधारियों की ओर ले जाना चाहूँगा। ये जलाधारी शास्त्रों को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। इन जलाधारियों का उपयोग करके आप नर्मदेश्वर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो आप अपने जल चढ़ाते समय जल को एक पात्र में एकत्रित कर सकते हैं और उस जल को अपने घर में छिड़क सकते हैं या तुलसी में प्रवाहित कर सकते हैं। ये जलाधारी को आप देख सकते हो, ये चौकोर आकार में बनी हुई नर्मदेश्वर शिवलिंग पर मैं जल चढ़ा रहा हूँ।
इस जलाधारी के ऊपर नर्मदेश्वर शिवलिंग रखने पर पानी की एक भी बूंद बाहर नहीं जाती। ये पूरा पानी आप अपने पात्र में एकत्रित कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और जलाधारी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक और जलाधारी जिसमें आप देख सकते हैं, इस तरह की कई प्रकार के हमारे पास जलाधारी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, नर्मदेश्वर शिवलिंग से जुड़ी हुई आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे जो आगे आपको नर्मदेश्वर से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहेगी। और वीडियो के अंत में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट दे रखी है, जहाँ से आप नर्मदेश्वर शिवलिंग से जुड़ी हुई और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।